सुप्रभात, मेरा नाम अंग सिंह है। मैं कच्चे वन्नी में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उसका शीर्षक है शिक्षा का महत्व। यह 1962 की घटना है, जब चीन और भारत के बीच में युद्ध चल रहा था। तभी एक मेजर जनरल बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। एक जवान से लड़का उन्हें अपने घर लेके गया और बचा लिया। उस जवान का नाम था सेवक सिंह। मेजर जनरल बड़े खुश हैं और सेवक सिंह को कमीशन ऑफिसर बना दिए। कुछ दिनों के बाद हमारा देश पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बना रहा था। मेजर जनरल ने सेवक सिंह को उस टीम का ऑफिसर इंचार्ज बना दिया था। मेजर जनरल ने सेवक सिंह को एक मानचित्र दी थी जहां सर्जिकल स्ट्राइक करना था। परंतु कुछ देरों के बाद सेवक सिंह मेजर जनरल के पास आया और बोला, श्रीमान जी, यह मानचित्र मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेजर जनरल ने पूछा, क्यों? तब सेवक सिंह ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेजर जनरल ने बड़े दुख से बोला कि आपको यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि फौज में जवान और अफसर को पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। अतः कुछ दिनों के बाद सेवक सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया। सेवक सिंह ने प्रतिज्ञा की, मैं तो आर्मी अफसर नहीं बन पाया, पर मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, फिर बहुत बड़ा आर्मी अफसर बनाऊंगा। तब उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़ा आर्मी अफसर उसका बेटा बन गया। फिर उसने अपने छोटे से गाँव में एक विद्यालय खोला। सबको अपनी कहानी, अपनी बेटी की कहानी बताई और शिक्षा का महत्व का प्रचार किया। जय हिंद, भारत माता की जय।